नमस्कार दोस्तों, सैनिक वेलफेयर चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में डिफेंस फैमिली पेंशनर्स और सिविलियन डिफेंस फैमिली पेंशनर्स के बारे में चर्चा करेंगे, जिसके संदर्भ में पीसीडीए इलाहाबाद ने सर्कुलर नंबर 192 6 जुलाई 2017 को जारी किया है। डिफेंस फैमिली पेंशनर और डिफेंस सिविलियन फैमिली पेंशनर से नॉन मैरिज यानी गैर विवाह और रीमैरिज यानी पुनर्विवाह प्रमाण पत्र जमा करने के दिशा निर्देश DPPI 2013 पैरा 39 यानी कि डिफेंस पेंशन पेमेंट इंस्ट्रक्शन 2013 के पैरा 39 में मैरिज रीमैरिज और फैमिली पेंशन अदर देन विडो 39 और रक्षा पेंशन भुगतान के लिए पैरा 12 का 3 और 12 का 4 योजना में प्रदान किए गए हैं। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक रिवाइज एडिशन 1/1/1987 के अनुसार नॉन मैरिज और रीमैरिज सर्टिफिकेट सबमिशन जमा करने की पीरियडिसिटी में अंतर होने की वजह से पेंशन भोगियों को काफी असुविधा का सामना करना पड़ता है, जिसके संदर्भ में अलग अलग एजेंसियों के प्रतिनिधि सुधार के लिए अप्रोच कर रहे थे। कंपेटेंट ऑथोरिटी सक्षम प्राधिकारी ने सलाह दी कि वर्ष में एक बार सभी तरह के पेंशन भोगियों को नॉन मैरिज और रीमैरिज सर्टिफिकेट लाइफ सर्टिफिकेट के साथ ही नवंबर माह में जमा करने की मांग की जा सकती है। DPPI पैरा 39 के अपेंडिक्स 11 में फॉर्म नंबर 2 ये वो सर्टिफिकेट है जो आपको साल में अब एक बार सबमिट करना है लाइफ सर्टिफिकेट के साथ, वो नवंबर माह में। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। यह वीडियो जरूरतमंद लोगों को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि भविष्य में इस तरह की अन्य जानकारी समय पर मिल सके। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।